आचके में मेहारी के जाके कहलस माई नसवा नरक में ले जाई जनी पी है भाई कि नसवा नरक में ले जाई जनी पी है भाई। एक व्यक्ति खैनी खाके सगरो दिया थुकियाई हो सगरो दिया थुकियाई। आ एक दिन खैनी पास न रहले भिखियो मंगाई नसवा नरक में ले जाई जनी पी है भाई कि नसवा नरक में ले जाई जनी खै है भाई। एक गजेरी गांजा पीकर चिलम दिया लहराई, ये गाना तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। गांजा को बिहार में विपक्ष एक अलग रूप में ट्रोल करवा रही है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली इंदु देवी के द्वारा गाए गए इस गाने को लगभग पूरा बिहार जरूर सुना होगा, लेकिन किसी की नजर इंदु देवी की स्थिति और माली हालत पे नहीं गई होगी। इंदु देवी समाज में फैली क्रूरता को खत्म करने को लेकर लोकगीत के माध्यम से जन जन को जागरूक कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस लोक गायिका को श्रेष्ठ भारत में भी उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है। परिवार की माली हालत ऐसी है कि इंदु देवी चूल्हा फूंक कर आज भी खाना बनाती है और फिर समाज में क्रूरता हटाने का प्रयास भी करती है। आज हमारे साथी गौरव ने इंदु देवी से खास बातचीत की और उनके माली हालत को भी दिखाने की कोशिश की। देखिए ये खास रिपोर्ट। उनतीस तारीख को मुख्यमंत्री के समाज सुधार यात्रा में मुजफ्फरपुर MIT मैदान में एक महिला नसवा नरक में ले जाई गाना गाती है और सुर्खियों में आ जाती है रातों रात। उस महिला के गांव में भी हैं हम हैं और गांव जाने वाली रास्ता पे हैं। उस महिला का पूरा वीडियो आपको हम क्लिप उनके घर पे पहुंच कर स्टोरी दिखाएंगे कि महिला की क्या स्थिति है और वो जो गाना जो गा करके वो फेमस हुई है वो गाना भी उनसे आपको सुनवाएंगे। पूरी स्थिति से आपको उस महिला के रूबरू करवाएंगी। इंदु देवी नाम है उनका। नसवा नरक में ले जाई यदि सुना है भाई ये गाना गाकर वो सुर्खियां बटोरी थी। बने रहिए वीडियो का साथ और देखते रहिए मुजफ्फरपुर नाउ। दिसंबर को मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में समाज सुधार यात्रा के दरमियान आए हुए थे। MIT में एक लोक गायिका इंदु देवी एक गाना गाती है नसवा नरक में ले जाई जरी सुना ये भाई। लोकगीत चूंकि फेमस हो जाता है और रातों रात में इंदु देवी सोशल मीडिया पर छा जाती है। बहुत दिनों के बाद चूंकि उस गांव सकरी से उनसे बात की है तो सकरी में इन्होंने बताया कि मेरा घर सकरी में है। चूंकि जब यहां पे आए तो चूंकि स्टोरी बातचीत करना एक अलग रूपरेखा होगी लेकिन एक अलग दिशा में आपको इस स्टोरी को दिखाएंगे। इंदु देवी की स्थिति क्या है, पारिवारिक स्थिति क्या है, चूँकि सोशल मीडिया पर इनके कला को तो सब लोगों ने देख लिया है लेकिन इनकी स्थिति को देखना भी उतना ही जरूरी है जितना इनके कला को देखना। हम अपने सहयोगी के कहेंगे सबसे पहले वो स्थिति दिखा दिया जाए जो इंदु देवी आज जो सोशल मीडिया पे जो लछाई हुई है उनकी स्थिति ये है कि वो आज भी चूंकि कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है उज्ज्वला योजना,
उस योजना की जो रूपरेखा है वो एक लोक गायिका जो कहीं ना कहीं सरकार की रूपरेखा को आम जनमानस तक ले जाती है और आम जनमानस में कहीं ना कहीं जागरूकता पैदा करती है, उसकी स्थिति ये है कि आज भी वो चूल्हे पे और लकड़ी पे जलावन जैसे पहले की सदी में लोग जलाया करते थे वो स्थिति है। तो उज्ज्वला योजना का इनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का लाभ इन्हें नहीं मिला। घर की स्थिति पीछे है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि घर की माली स्थिति क्या है। और चूंकि ये वही लोक गीत गाकर और चुनाव में प्रचार का कैसेट बना करके अपना जीविकोपार्जन का देख रेख करती है। इंदु देवी हैं, बातचीत करते हैं। चूंकि गाना तो आपका बहुत फेमस हो गया, इसके लिए आपको बधाई हो, लेकिन जो पारिवारिक जो आपका स्थिति है, आपने कहा कि मेरे पिताजी भी दारू वगैरह पीते थे और पहले पति भी पीते थे, पहले की स्थिति क्या थी और अब आपके इस लाइन में आने के बाद क्या सुधार लगता है? पहले की स्थिति तो मतलब काफ़ी दिक्कत था, काफ़ी यहाँ आए तो सबसे पहले कि मायके में हमारे बाबूजी जब पीते थे और नशा में सारा चीज़ जो भी कमाई था बर्बाद कर देते थे, तो हम पांच भाई बहन और मम्मी हमारी काफ़ी दुखी रहती थी कि हम करें तो क्या करें। हमारा मम्मी भी मजदूरी करके बाल बच्चा के पोस ली, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चा सबको कमा कमा के पोस ली। शादी भी उसी ढंग से हुआ, यहाँ भी शादी किए तो देखे कि भाई अच्छे मतलब अच्छा परिवार अच्छा घर नहीं है, लेकिन फिर भी सोचे कि समय कट जाएगा। यहाँ आए तो हमारे मालिक साहब थोड़ा मोड़ा पीते थे भी और हमारे ससुर जी काफी पीते थे। यहाँ का स्थिति भी देखे तो हमारा मायके से कम नहीं था, एकदम बराबर में चला के जैसे हमारे पिताजी जैसे वैसे ससुर जी। कारण कि हमारा यहाँ सास भी बहुत दिक्कत करके बच्चा सबके पोसी है और मायके में हमारा मम्मी भी पोसी है बहुत दिक्कत से। ना तो आपका वायरल हो गया, एक एक सवाल आपको बनता है, आपका घर यही है, इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? आवास योजना का लाभ, आवास योजना का लाभ, सबसे पहली बात कि हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, जो कुछ भी है नज़र के सामने है और इसके लिए हमारा जान भी चल जाए तो गम नहीं है, क्योंकि बहुत दिन पहले जो जिस समय 25,000 या 30,000 मिलता था उस समय हमें इंदिरा आवास का पैसा 25,000 मिला, 5,000 इधर उधर में चल गया लेकिन 25,000 रुपया मिला। मिलने के बाद हुआ क्या कि हम ईटा गिराए जो घर बनाएंगे, लेकिन अपना परिवार में भाई के बंटवारा न होने के कारण कोई हमको बांट के ढंग से नहीं दिया, जो हम घर थोड़ा सा ईटा दो टेलर गिराए, बाकी पैसा था जो हमारे मालिक साहब के इतना तबीयत खराब हुआ, बाबा सिर खूनी और बादी दोनों, जो हमको दिखाने के लिए इलाज करने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई कमाने वाला भी नहीं था, तो हम करे से हम क्या करे, तो वो पैसा से उनको इलाज करा के हम ठीक कर लिए, पैसा तो बचा नहीं और जगह भी नहीं था। वो अब जो है हम कमाने लगे अपने से, बच्चा सबके किसी तरह मतलब थोड़ा सा सियाना हुआ और जब से सरकार का प्रोग्राम का मिला तो उस समय से जब हम काम धंधा करने लगे तो थोड़ा धीरे 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 खान पान में बाल बच्चा के परवरिश में वही भरण पोषण नहीं होता है तो घर द्वार कैसे आप बनाए? समाज को जागरूक करती है, सरकारी योजनाओं को आपको सब कुछ रूबरू हकीकत पता है, उज्ज्वला योजना का लाभ इंदु देवी को क्यों ना मिला आज तक? हम गए उज्ज्वला योजना वाला के लिए कि सरकारी जो सुविधा है गैस का हमको भी मिलना चाहिए, तो गैस एजेंसी वाले बोले कि आप जो अपने नाम से कनेक्शन लिए हुए हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उज्ज्वला योजना का लाभ केवल महिला के लिए ही है। अच्छा। तो नहीं मिला हमको। पहले से गैस आप लिए हुए हैं? हाँ, हम कनेक्शन लिए थे जब काम करने लगे 2007 से, तो उसके बाद हम इधर लमसम 5-7 साल पहले हम गैस लिए। यहाँ पे मतलब खाना बनाने की वजह यह है कि गैस महंगी है? गैस महंगा है और दूसरी बात कि हमारा पास उतना आय नहीं है, ना हमारा मालिक कमाने वाला है। कमा लेते हैं इस सरकारी योजना में नाटक नुक्कड़ नाटक करके या लोक गीत करके, कितना महीना में एक मतलब एक अनुमान कितना कमा लेते हैं? ये तो अभी नुक्कड़ नाटक वाला में तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, 10-15 दिन काम होता है और उसमें हमको मात्रम 500 रुपया मिलता है और 100 रुपया खुराकी मिलता है, 500 रुपया मजदूरी और 100 रुपया खुराकी, और जय दिन काम हुआ 10 दिन हो 15 दिन हो उतने दिन का पैसा मिलता है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं मिलता है। पति क्या करते हैं आपके? पति हमारे बचपन से सिलाई किए, उसके बाद उनके पास दूसरा कोई का धंधा था नहीं, ना दूसरा सीखे भी नहीं, ना लूर किए। अब सिलाई वाला काम जब डॉक्टर छोड़ा दिया तो उसके बाद से वो कुछ करने के लायक नहीं बचे, बेरोजगार बचे। तीन चीज में चूंकि आपका जहां तक हमने देखा है दूसरे चैनल पे भी इंटरव्यू देखा, तीन चीज में आप जागरूकता कर रहे हैं, दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराबबंदी। आपने कुछ दिन पहले गाना गाया था स्कूल जाने वाला, जरा हम पंक्ति कहेंगे दुल्हन जरा सुनाइए। जी जी,
वो गाना है, मिलला सरकारी सुविधा फ्री में पढ़ाई के जतबर मुनमा मुनिया झोरा लाट काई के जतबर मुनमा मुनिया झोरा लाट काई के जतबर मुनमा मुनिया मुन्ना सांगे मुनी जाला पढ़ला और खिचड़ी खाला मुन्ना सांगे मुनी जाला पढ़ला और खिचड़ी खाला रटला उ गिनती पहाड़ा खूब चीची आई के जातबार मुनमा मुनिया झोरा लाट काई के जातबार मुनमा मुनिया मिली नाही मौका ऐसन पढ़ला तू छोड़ के फैशन मिली नाही मौका ऐसन पढ़ला तू छोड़ के फैशन पैसा और इज्जत है मिली है पैसा और इज्जत कमाइब शिक्षा के पाई के जातबारे मुनमा मुनिया झोरा लाट काई के जातबारे मुनमा मुनिया। 29 तारीख को मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री के समक्ष आपने एक लोक गीत शराबबंदी पे गाया था, जिसके बाद लोगों ने उसका कुछ एक क्लिप निकाल के वायरल भी किया गांजा वाला, हम चाहेंगे कि जरा वो गीत भी गाइए। वो गीत है, जनी पिहाए भाई जनी पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई जनी पिहाए भाई एक शराबी शराब पी के नली में गया भहराई हो नली में गया भहराई आचके में मेहारी के जाके कहलस माई नसवा नरक में ले जाई जनी पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई जनी पिहाए भाई एक व्यक्ति खैनी खाके सगरो दिया थुकियाई हो सगरो दिया थुकियाई आ एक दिन खैनी पास न रहले भिखियो मंगाई नसवा नरक में ले जाई जनी पिहाए भाई कि नसवा नरक में ले जाई जनी नरक में